उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा शिशु कल्याण विभाग के मंत्री जय प्रताप सिंह ने सुल्तानपुर कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे, तभी रास्ते में अमेठी जनपद के गौरीगंज स्थित मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला अस्पताल अमेठी का निरीक्षण किया, जिसके चलते जिला अस्पताल के डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। ऐसा बताया जा रहा था कि शायद यहां पर तैनात डॉक्टरों की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंची थी, इसलिए मंत्री महोदय ने रास्ते में रुककर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। हालांकि मंत्री महोदय ने बताया कि मैं जहां भी जाता हूं, रास्ते में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला चिकित्सालय पड़ते हैं, कहीं ना कहीं मेरे द्वारा रूटीन में औचक निरीक्षण अवश्य कर लिया जाता है। इसी क्रम में सुल्तानपुर जाते समय हमने अमेठी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, क्योंकि अभी दो दिन पहले यहां पर राज्यपाल महोदय जी आई हुई थी। अमेठी को उनका भी संरक्षण प्राप्त है। इसमें मैंने देखा कि निर्माणाधीन जिला अस्पताल का कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है और कब इसको हैंड ओवर करेंगे, जिससे इसकी उद्घाटन की तारीख निश्चित की जा सके। यहाँ पर कार्यदायी संस्था के इंजीनियर भी मौजूद हैं। मेरी उनसे बात हो गई है, उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय का कार्य 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। हमने CHC का निरीक्षण किया, क्योंकि CHC को उच्चीकृत करके जिला अस्पताल के रूप में चलाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर की कमी तो है ही। इस बात को मैं जरूर कहूँगा कि पूरे प्रदेश में लगभग 7000 डॉक्टरों की कमी बनी हुई है, प्रत्येक जनपद में 50 से 60 डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इसकी व्यवस्था सरकार अलग अलग तरीके से कर भी रही है। उत्तर प्रदेश में जब BJP की सरकार बनी, अर्थात पिछले 2.5 साल पहले तक सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेज ही संचालित थे, जिससे डॉक्टर कम निकलते थे, जो 22 करोड़ जनता की देखभाल करने के लिए कम थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2.5 वर्षों के अंदर 29 नए मेडिकल कॉलेजों के खोलने की स्वीकृति दी है, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है, जिसमें 7 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर पहले साल का MBBS कोर्स शुरू हो चुका है, शेष निर्माणाधीन है, 2 साल के अंदर वह भी प्रारंभ हो जाएंगे। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। ये कभी यहाँ रहे नहीं। एक डॉक्टर है आज विजिट पर आए हैं, बाकी नहीं आते। ये कभी आते नहीं होगा, सेमस को पता होगा, आपको पता ही नहीं आते कभी। नहीं आते हैं कि नहीं आते की सौगात मिलेगी, क्योंकि पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा इतना बड़ा और इतने बिल्डिंग और काफी सारे डॉक्टर्स यहाँ रहने की व्यवस्था होगी। अगर इसके शुरू होने से जनपद वासियों को काफी फायदा होगा। यहाँ पर कार्यदायी संस्था के इंजीनियर भी है, 30 नवंबर तक उन्होंने बोला है हम कर देंगे। मैंने भी हिदायत दिया कि 30 नवंबर अगर बोल रहे हैं तो 30 नवंबर को ही प्रारंभ। 2.5 साल से योगी सरकार के कार्यकाल में काफी खुश नजर आई है और 11 सीटों पर उपचुनाव में कहीं ना कहीं योगी सरकार के साथ कदम ताल करती नजर आई है। कैसे देख रहे हैं इस उपलब्धि को? ये हम लोग का, देखिए हम लोग का भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है सभी पार्टियों से, ये हम मानते हैं। हमारा कार्यशैली, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी मंत्री हो या विधायक हो या पूरा संगठन हमारा है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग सक्रिय राजनीति में है भी और अच्छा काम करने के लिए, जिसको आज हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस करने के लिए हम सभी लोग जब मिलकर जब अच्छा काम करते हैं तो उसका नतीजा नीचे तक जाता है। हमारे बहुत सारे कार्य गांव में भी चल रहे हैं और अन्य जगह भी, हर सेक्टर में हमारा कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है और अच्छा काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है। हमें विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। इन 11 सीटों में से 7 सीट हम लोग जीते हैं, इसका एक ये संदेश जरूर जाता है और आगे भी हम लोग अपना सक्रिय राजनीति करते हुए अच्छा काम करने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि 2.5 साल के बाद जो अगला चुनाव आएगा 2022 में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले।
गौरीगंज स्थित असदपुर सीएससी का निरीक्षण किया कि किस तरीके की क्या थी। आज मेरा प्रोग्राम सुल्तानपुर का है और रास्ते में मेरे विचार से मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं रास्ते में सीएचसी पीएचसी या जिला अस्पताल जो मिलता है उसका मैं निरीक्षण जरूर करता हूँ। इसी क्रम में आज मैंने सोचा था क्योंकि यहाँ महामहिम राज्यपाल जी यहाँ आए थे अभी 22 तारीख को और उनका थोड़ा सा यहाँ सर्वेक्षण भी हुआ था तो इसकी जिला अस्पताल का पूर्णतः जब सब क्या बोलते हैं इसको प्रारंभ करने की तिथि को देखते हुए मैं आया था इसका देखने के लिए कि कितना बिल्डिंग इसका पूरा हो गया कि नहीं, क्या कमियां हैं, क्या बाकी रह गया और कब इसको हैंडओवर करेंगे, इसको समझने के लिए मैं आया था। इसके पहले मैं वहां के जो अभी मौजूदा सीएचसी जिसमें जिला अस्पताल से संबंधित ही सब चल रहा है उसको भी मैंने निरीक्षण किया और आज इसको भी किया और आगे तो मैं सुल्तानपुर जाऊँगा, वहाँ तो कई हॉस्पिटल का देखना होगा। सीएचसी जो निरीक्षण किया अभी तो सीएचसी क्योंकि उच्चीकृत करके एक जिला अस्पताल के रूप में ही चला जा रहा है तो उसमें डॉक्टर्स की कमी तो है और मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 7000 डॉक्टर्स की कमी आज भी है तो हर एक जनपद में 50-60-70 इस तरह के डॉक्टर की कमी सब जगह है और इसकी व्यवस्था सरकार अलग अलग तरीका से कर भी रही है, विशेषज्ञ को अनुमति देने के लिए और मॉक इंटरव्यू और तमाम प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जनपद में कम से कम विशेष विशेषज्ञ आए और अपना योगदान दें। इसकी व्यवस्था हम लोग ने किया भी है और चल भी रहा, कर भी रहे हैं। इसको मेडिकल कॉलेज आप सभी लोग जानते हैं कि 2.5 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश का गठन जब हुआ था तब से लेके 2017 तक 13 मेडिकल कॉलेज हमारे पास मौजूद थे जो डॉक्टर्स के निकलने के पर्याप्त संख्या नहीं थी, जो हमारी 22 करोड़ की जनता को देखभाल करने के लिए और जो हमारा वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है आज जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उसमें डॉक्टर्स की भारी संख्या को देखते हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल के अंदर 29 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दिया है, केंद्र सरकार के सहयोग से भी है, कुछ प्रदेश सरकार के हैं और जिसमें 7 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनका पहले साल का MBBS भी प्रारंभ हो चुका है, बाकी निर्माणाधीन है, 2 साल के अंदर वो भी प्रारंभ हो जाएगा।